special event for you. So I would like to call Lucas sir to make an announcement for a very special event for you. Good morning everyone. Are you ready for the entertainment? Okay, so as you know that very well, you already are experiencing daily. So I would like to call upon stage the multi-star of our school, and none other than Mr. Kalpak sir. Please give him a... While he is coming, the band should be going on. So I was playing flute, but the mic is not arranged. So उसके पहले थोड़ा सा कुछ entertainment करते हैं, okay? So first of all, happy Teachers Day to all and also my all teachers and all. Not audible? Is there audible? Now is audible? Sir, rhyme sir? Okay, yeah, thank you. हाँ, so इधर नहीं आ रही है? Hello, hello. Now it's audible? Okay, anyways. So, Pata? Hello, Sheik. Okay. Hello, hello. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay. So, I was just thinking कि अगर अपने स्वर्णिला का नाम काफी बड़ा है, you know? तो अगर अपने सो अगर हमारे स्कूल में अगर जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स आ गए और अपने जितने भी स्कूल के टीचर्स है वो उनको पढ़ाए तो कैसा होगा? ओके, सो क्या होता है, सारे स्कूल के जितने भी एक्टर्स होते हैं, मतलब जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं, वो सभी जन आते हैं. और फिर जैसे क्लास स्टार्ट हो रहा है, क्लास का मॉनिटर होता है, वो है वेल नोन एक्टर, दैट इज अमिताभ बच्चन. तो अमिताभ बच्चन जस्ट स्टार्ट होता उनका, नमस्कार देवी हो जो जो, अरे भाई साहब आए, ये मैं यही कहना चाहता हूँ भाई साहब, अरे भैया ऐसा मत कीजिए, अरे मैडम, अरे भैया भाई ये केबीसी नहीं है, एएसए आए है, अब ये अल्फोर सोनेला इंटरनेशनल स्कूल है, यहाँ पे केबीसी नहीं चलता. अरे भैया ये मेरे हिसाब से कुछ नहीं चलता भैया, थोड़ा सा शांत रहिएगा, अरे अभी इंग्लिश का पीरियड है, जयश्री मैम आने वाली है, बिल्कुल आए. तो फिर वहां पे हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा. तो उसमें ने क्या दो उठ के खड़े ने का बोल दे सनी देओल, और ये 2.5 किलो का आता है, मैं सच्ची कह रहा हूँ ये 2.5 किलो का आता है, मैं किसी से नहीं डरता सिवाय सुरेंद्र सर के. बेटा जब उनका 2.5 किलो का हाथ मेरे पर होता है ना, मैं 1.25 किलो का हो जाता हूँ. फिर उसके बाद फिर जैसी मैम एंटर करती है, जैसी मैम हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू टीच हाउ वी विल गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, ओके, यू अंडरस्टैंड, ओके. सो नाउ सो एनीवन हैविंग प्रॉब्लम ही विल स्पीक व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, नो ना, ओके, लाइक लेट मी स्टार्ट. सो द फर्स्ट इज दैट Whenever we will absent, so we will not say that I am absent. We will say I was absent. Okay. So उसके बाद बीच में एक हीरो खड़े हो जाते हैं, वो है आमिर खान. सर, मैम, मैम, आइला, आमिर खान यार, या. मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, आपकी जो इंग्लिश है मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी लगी. हाँ, थैंक यू, थैंक यू. आपने मेरी फिल्म देखी होगी थ्री इडियट, आइला, हाँ. तो मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, वेरी गुड मैम, आपके पढ़ाने का अंदाज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मैम, वेरी गुड, वेरी गुड. पर मैम मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो भी इंग्लिश है वो कभी कभी कुछ कुछ मराठी भी कुछ जाता है, तो आपका इसमें क्या कहना है?
बेटा एक काम करना, चार के बाद रुक जाने का, ठीक है? नहीं मैम, समझ गया, इंग्लिश समझ गया, पूरा समझ गया, टेंशन नॉट। उसके बाद ये सब चलता रहता है। पता है कोई होता है ना जो क्लास में, जो बने का क्या होता है, पीरियड बंक कर देते, वे बोलते कि चलना बाहर चले जाते, तो फिर बाहर चले जाते हैं। तो फिर वहां पे होते हैं, वो है शाहरुख खान और ऋतिक। तो फिर जस्ट जैसे जाते हैं तो वहां पे उनको दूसरे एक टीचर है, वो नेगा रोक लेते, वो है दीक्षित सर। तो फिर वहां पे वो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं शाहरुख खान मुझे लगता है कि मुझे ना बीच में ये नहीं करना चाहिए, मुझे क्लास कभी ज़्यादा पसंद ही है, मैं चाहता हूँ कि असेंबली मैं खुद करूँ, यू नो वाट। तभी दीक्षित सर आता है, दोनों इधर, क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या चल रहा है तुम्हारा? सर सच्ची मैं कुछ नहीं कर रहा, ऋतिक कर रहा था। ऋतिक क्या, ऋतिक भोले होते ना, तो ऋतिक यू नो सी एवरी कोई मिल गया उनका है ना, थैंक यू सो मच। अरे सर मैं कुछ नहीं कर रहा था, शाहरुख कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो होने के बाद उनका सब हुआ, फिर बोलते बोलते शाहरुख क्या कर रहे थे, सर अभी वॉज डिस्कसिंग अबाउट द असेंबली, यू नो असेंबली, असेंबली के बारे में। सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैं ऐसा हेलीकॉप्टर रखूंगा, हेलीकॉप्टर से ऐसा दौड़ तो आऊँगा सर, और मैं एंट्री करूंगा और फिर बोलूंगा अपने सारे कुछ परफॉर्म करें। हेलीकॉप्टर तेरे बाप ने लाया था वहाँ पे, चल प्रिंसिपल सर के पास चलो। फिर प्रिंसिपल सर के केबिन में लेके गए दोनों, शाहरुख को और ऋतिक को। ओके तो फिर उसके बाद प्रिंसिपल सर के केबिन में गए, तो प्रिंसिपल सर ने बोला ये ऐसा चीज कुछ भी नहीं चलेगा, ओके? तो इनको पनिशमेंट दे दिया, फिर उनको निकाल दिया। एंड फिर फाइनली फिर पीरियड होता साइंस का, फिर साइंस के पीरियड में गया, फिर उन्होंने कहा कि बाकी सब टीचर्स को, तो फिर उनमें दो स्टूडेंट्स खड़े हो गए, फिर वो बोले तो कौन, संजय दत्त। फिर उनका सो मैं ये कहना चाहता हूँ साइंस के बारे में मेरे को सब पता है, ठीक है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे जो कहना है ना साइंस के बारे में, बता बल्ब किसने इन्वेंट किया? नहीं मैंने, बोले कैसे, जब लाइन बेटे वो बल्ब वो इन्वेंट तो हो गया था, पर उसके बाद जैसे लाइन है वो चला गया, तो फिर मैं था, मैंने बोला मेरे नाम पे पेटेंट कर दो। और उसके बाद ये सारी सब हो रहा था, फिर उसके बाद उनमें एक ऐसा होता है जो काफी बदमाश लड़का होता है, फिर वो होता है अमरीश पुरी। यू हैव यू सीन द करण अर्जुन? तो करण अर्जुन उनका, अरे 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 ओए ओए ऐसा नहीं चलेगा, ओए स्कूल है, ओए मस्ती मत करो, मैं किया तो चले जाऊंगा पर तुम मत करना, ओए वो गया वो खुश हुआ। एंड फाइनली ये सब होने के बाद फिर लास्ट में आते हैं अवर वन ऑफ द फेवरेट एक्टर महाराष्ट्र, दैट इज नाना पाटेकर। और फिर उनका फिर लास्ट में ऐसा होता, पर वो पहले कुछ नहीं बोलते, पहले नॉर्मल होता है उनका। अरे कुछ मत करो ठीक है, अपने अपने स्कूल नहीं है, अच्छा टाइम होगा। फिर उनको बोलते अरे कुछ नहीं करता, ए कैसे बात कर रहा तू, ऐसा नहीं चलेगा, अरे कुठे आपण काय बोलतो, कुठे बोलतो, कळायला पाहिजे स्वर्णालयामध्ये का शाळेमध्ये, आणि टीचर्स द्या आणि सर्वांनी लक्षात ठेवा, टीचर्स तुम्हाला मारता शिवा देतात, याचा अर्थ हे नाही टीचर्स वाईट असतात रे, अरे नसतात, तुमच्या भवितव्यासारखं केलं जातं ते, आणि आप क्या बोलते, अरे टीचर्स हमेशा मारते रहते, अगर तुम्हारे गलतियों पे अगर नहीं का रोक नहीं लगा उनको मारेंगे नहीं, आगे चल के कैसा होगा, गलतियों का तुमको पता होनी चाहिए, इसलिए टीचर्स तुमको पनिश करते हैं। और आप बोलते हैं टीचर्स को नाम रहे, टीचर्स जो हम तुम लाइफ में जो कुछ बनोगे टीचर्स के वजह से बनोगे रे। Yes, this is the thing. You have to obey that and you finally happy teachers day, okay? Thank you so much. Once again, so he was a multi-star of our Swarnalila International School.